सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैपटॉप सेक्शन के बारे में। जैसे कि हमारे पास ये मदरबोर्ड है लैपटॉप का, ठीक है, यहाँ पे भी ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है और ये अलग अलग टाइप के लैपटॉप का मदरबोर्ड है। तो लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से सेक्शन होते हैं और इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम आता है और उसको हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि अगर लैपटॉप के अंदर किसी भी टाइप की अगर शॉर्टिंग होती है तो आपको कैसे चेक करके उस शॉर्टिंग को सही करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको बता दूं सेक्शन से पहले कि हमने जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, अपना इंस्टीट्यूट ओपन मैंने कर लिया है। और अगर आपको किसी भी टाइप का अगर कोर्स करना है, कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग या सीसीटीवी रिपेयरिंग या प्रिंटर रिपेयरिंग या अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल रिपेयरिंग का, तो आप जो है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लैपटॉप के सेक्शन के बारे में जानते हैं कि लैपटॉप में कितने सेक्शन होते हैं और कौन से सेक्शन का क्या फंक्शन है, उस अगर बोर्ड में शॉर्टिंग होती है तो उसको हम कैसे हटाएंगे। सबसे पहले तो लैपटॉप में जो है, किसी भी अगर लैपटॉप की बात करें, कोई भी सीरीज हो, चाहे वो i3 हो, i5 या c2d या ड्यूल कोर का सीरीज हो, इसमें अलग अलग टाइप के सेक्शन होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से सेक्शन होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताता हूँ कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लैपटॉप के सेक्शन, लैपटॉप में जो सेक्शन होते हैं इसमें बोल्ट इन सेक्शन, ठीक है, उसके बाद से होता है स्टेप डाउन सेक्शन, LVDS सेक्शन, बैटरी सेक्शन, वाईफाई सेक्शन, VRM सेक्शन, RAM सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, PCS सेक्शन, IO जिसको KBC EC सेक्शन भी बोलते हैं, बायो सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, कैमरा सेक्शन, साटा सेक्शन, ODD जिसको बोलते हैं DVD सेक्शन, USB सेक्शन, फैन सेक्शन, टचपैड सेक्शन, कीबोर्ड सेक्शन, VGA और HDMI सेक्शन, जो इस लैपटॉप के अंदर या ओल्ड या न्यू लैपटॉप के अंदर ये सेक्शन होता है। अब इसमें जो है कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये। तो अगर लैपटॉप के आप अगर कोर्स करते हैं या अगर हम बात करें तो लैपटॉप में अगर कहीं पे भी अगर इससे रिलेटेड कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो उसको हम शॉर्टकट में हम कंफर्म कर लेते हैं कि बोर्ड में कहाँ पे प्रॉब्लम अगर किसी भी टाइप के, तो ये लैपटॉप के टोटल सेक्शन है, आप देख सकते हैं 22 सेक्शन है। और इसमें जो है अलग अलग टाइप के किसी भी सीरीज के लैपटॉप में वोल्टेज बनते हैं, जिसमें अगर बात करें तो 19 वोल्ट और 12 वोल्ट। 19 वोल्ट जो होता है वो जो एडाप्टर से सप्लाई इन होता है वो 19 वोल्ट, और बैटरी से जो इन होता है वो 9 से 14 वोल्ट के बीच में होता है, तो वो वोल्टेज होता है। उसके बाद से जो है लैपटॉप में जो है एक और वोल्टेज बनता है, ये 19 वोल्ट जो होता है वो कन्वर्ट होकर 3.3 और 5 वोल्ट में बनता है, जिसको बोलते हैं ऑलवेज वोल्टेज। ये वोल्टेज ऑलवेज वोल्टेज कहाँ बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है ऑलवेज वोल्टेज जो है एडाप्टर लगाते ही या बैटरी लगाते ही ये बन जाता है। उसके बाद से 3.3 VS और 5 वोल्ट VS ये जो है बोर्ड ऑन होने के बाद, अगर लैपटॉप ऑन करते हैं उसके बाद से बनता है। उसके बाद से कोर वोल्टेज जो होता है वो VRM का वोल्टेज होता है, जो CPU को ऑन होने के लिए चाहिए वोल्टेज होता है। उसके बाद से RAM वोल्टेज 1.5, 1.8, 2.5, ये अलग अलग बोर्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग वोल्टेज बनता है। उसके बाद से 1.05 ये जो होता है PCH या ग्राफिक का वोल्टेज होता है। उसके बाद से रन वोल्टेज होता है, सस वोल्टेज होता है, एनेबल सिग्नल होता है फ्रॉम IO से, IO से सिग्नल मिलता है। उसके बाद से डेटा क्लॉक क्या होता है इसके बारे में, इसकी पूरी डिटेल। उसके बाद से 1.8 हो गया, 1.0 वोल्ट हो गया। तो ये टोटल वोल्टेज बोर्ड में कौन कौन से एरिया, कौन कौन से सेक्शन में बनना चाहिए, अगर ये वोल्टेज में से कोई भी वोल्टेज मिसिंग होगा या सिग्नल मिसिंग होगा तो बोर्ड में हमारे ऑन नहीं होगा या नो डिस्प्ले आएगा या हैंगिंग या रिस्टार्टिंग या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है इन सब के वजह से, ठीक है। तो इस लैपटॉप में जो हमने बताया कि ये सेक्शन है, और इसमें अगर हमें पता करना है कि ये सेक्शन कहाँ है तो मैं इस पे भी और एक एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं अभी हम बात करते हैं शॉर्टिंग कंडीशन में, अगर हमारे लैपटॉप, अगर कोई भी लैपटॉप में शॉर्टिंग हो जाता है, शॉर्टिंग हम पता कैसे करते हैं कि शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है। तो शॉर्टिंग का मतलब होता है कि जब भी हम लैपटॉप को ऑन करते हैं तो लैपटॉप ऑन नहीं होता है, ठीक है, या लैपटॉप ऑन करते लैपटॉप का जो लाइट जो होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो इसका लाइट है, ये ऑन करते ही लैपटॉप को लाइट जो है यहाँ LED ग्लो होके और ऑफ हो जाता है, मतलब जल के और ऑफ हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे बोर्ड के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है।
तो सॉर्टिंग चेक करने का सबसे इजी मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं कि सॉर्टिंग को अगर कंप्यूटर के लैपटॉप बोर्ड के अंदर पता करना है तो कैसे सॉर्टिंग पता करेंगे। कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर सॉर्टिंग पता करना है तो सॉर्टिंग जो है दो तरीके से आपको पता करना है। सबसे पहले तो आप जो है एडाप्टर, जहां पे एडाप्टर जैक लगाते हैं, ये एडाप्टर का जो जैक है जहां पे हम 19 वोल्ट की सप्लाई जो है वो लगाते हैं, तो यहाँ पे जो जैक है ना, इससे जो सप्लाई आउट होता है, तो ये आउट होने के बाद जो है मैंने इस पे वोल्टेज सेक्शन के बारे में एक वीडियो बना रखा है। अगर वो आपने वीडियो वोल्टेज वाला सेक्शन का नहीं देखा है तो एक बार आप देख लीजिए, जिससे कि ये वोल्टेज वाला सेक्शन आपको क्लियर हो जाएगा। वोल्टेज सेक्शन के अंदर जो होता है ये फ्यूजेबल रजिस्टर होता है, आप इसमें भी देख सकते हैं। वोल्टेज सेक्शन जो है इसमें आपको फ्यूजेबल रजिस्टर में आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे, हाँ ये है फ्यूजेबल रजिस्टर यहाँ पे। और अगर इस बोर्ड की बात करें, ये जो है i7 का बोर्ड है, i5 का बोर्ड है, तो इसमें जो है आप देखेंगे तो फ्यूजर रजिस्टर जो है वो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फ्यूजर रजिस्टर, इसको करंट सेंसर रजिस्टर या कॉमन पॉइंट बोलते हैं। और ये जो रजिस्टर है ना, इस रजिस्टर आपको ग्राउंड से चेक करना है कि ये बीप नहीं आना चाहिए। अगर ये बीप आ रहा है, अगर ये ग्राउंड से बीप कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके बोर्ड में जो है 19 वोल्ट वाले एरिया में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। 19 वोल्ट मतलब जो एडाप्टर लगाते ही, एडाप्टर लगाते ही आपके एडाप्टर पॉइंट पर कहीं चिंगारी से निकलती है लाइट, या एलईडी ऑन होके ऑफ हो जाता है, या पावर ऑन नहीं होता है, तो आपको डायरेक्टली ये जो है फ्यूजर रजिस्टर है यहाँ पे 19 वोल्ट चेक करना है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं है। अगर 19 वोल्ट यहाँ नहीं आ रहा है, या इस पॉइंट को ग्राउंड से आप चेक कर रहे हैं, मल्टीमीटर को एक पिन को ग्राउंड पर रखेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेक करना है इसको। हमें मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी पॉइंट पर रख लेना है, ये बीप रेंज पे, ये बीप रेंज पे, जिसमें जो है ये आपस में बीप करेगा, ये देख सकते हैं बीप कर रहा। और ये जो पॉइंट है, एक पिन को ग्राउंड पर रख लेना, ब्लैक वाले को या रेड वाले को कोई भी रख सकते हैं। ये जो ग्राउंड है, जहां जहां स्क्रू लगता है वो ग्राउंड होता है, और ये वाला पॉइंट पे रखना है। और ये वाला पॉइंट पे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड से बीप नहीं आना चाहिए। अगर ये ग्राउंड से बीप आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो है ये ग्राउंड से बीप कर रहा है, तो इसका मतलब ये शॉर्टिंग है, यहाँ से 19 वोल्ट की सप्लाई बोर्ड में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो उस कंडीशन में हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 19 वोल्ट की शॉर्टिंग ये नहीं दिखा रहा। अगर सपोज करिए 19 वोल्ट की शॉर्टिंग दिखाता तो हम क्या करते कि बोर्ड को कैसे चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बोर्ड के अंदर जो है ना 8 या 9 या 10 जो है क्वाइल होता है इस बोर्ड के अंदर, चाहे वो कोई भी लैपटॉप का बोर्ड हो। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दो क्वाइल है, ठीक है, यहाँ पे दो क्वाइल है, यहाँ पे दो क्वाइल है, उसके बाद से जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वाइल है, ठीक है। तो ये जो बैटरी का कनेक्टर है ना, इसके पास लगा है, तो ये बैटरी का क्वाइल होता है। और जहां पे दो क्वाइल है और 4 MOSFET 2 कैपेसिटर लगा होता है, ये स्टेप डाउन सेक्शन होता है, जो एक 3.3 5 वोल्ट की सप्लाई आउट करता है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो ये रैम स्लॉट के पास में आप देख सकते हैं कि दो क्वाइल है, एक तो रैम के लिए सप्लाई के लिए सप्लाई क्वाइल जो है वो रैम के लिए होता है 1.5 वोल्ट, और एक जो होता है वो पीसीएस सप्लाई, पीसीएस जो है जो PCHIC है उसके लिए सप्लाई देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये जो तीन क्वाइल है ये BRM जो CPU को वोल्ट CPU को ऑन होने के लिए सप्लाई चाहिए, तो ये क्वाइल से CPU को मिलेगा। अगर हम पीछे की बात करें तो बैक साइड में आप देखेंगे तो एक और क्वाइल है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो क्वाइल है ये क्वाइल जो है ये 1.8 वोल्टेज के लिए है, ठीक है। और ये भी जो है ये आपको PCS जो चिप है इसके लिए जो है ये सप्लाई जाएगा। अगर हम बात करें नीचे वाले बोर्ड के, तो इसमें भी आप देखेंगे कि तो वही आपको मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो है दो क्वाइल है जो BRM के लिए हो गया, ये ग्राफिक क्वाइल हो गया, ठीक है, ग्राफिक क्वाइल हो गया। उसके बाद से दो ये हो गया, एक रैम के लिए होगा, एक जो है PCHIC के लिए होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो, जो कि आप बैक साइड में हम कराते हैं, यहाँ पे दो 4 MOSFET लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है इधर दो क्वाइल और दो कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये स्टेप डाउन का MOSFET है, ठीक है। तो ये 3.3 आउट करेगा। तो ये जितने भी क्वाइल है ना, कोई भी क्वाइल ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए। अगर जो क्वाइल ग्राउंड से बीप कर रहा है, जैसे मैं आपको चेक कर दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप मल्टीमीटर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बीप नहीं कर रहा, और इस क्वाइल को भी हम चेक कर रहे हैं तो ग्राउंड से बीप, मल्टीमीटर बीप नहीं कर रहा, यहाँ भी बीप नहीं कर रहा, ये वाला बीप कर रहा, ठीक है। और ये वाला देख सकते हैं, ये वाला बीप कर रहा है, और ये वाला भी आपका यहां बीप कर रहा है, ये देख सकते हैं यहां पे ये बीप कर रहा है, और ये बीप नहीं कर रहा,
ये वाला बीप कर रहा, ठीक है, और ये वाला बीप बीप कर रहा। तो कहने मतलब अभी हमने बताया कि कोई भी क्वाइल जो है ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए। अगर क्वाइल ग्राउंड से बीप कर रहा है तो वो एरिया के अंदर शॉर्टिंग है, जैसे कि यहां पे बीप कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं बीप कर रहा है। पर बीप के साथ हमें एक और वैल्यू देखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर बीप कर ही रहा है तो ये शॉर्टिंग है। यहां पे हमें वैल्यू देखना है, अगर बीप कर रहा है तो हमें यहां वैल्यू देखना है कि वैल्यू कितना आ रहा है। तो यहां आप देख सकते हैं 021, और यहां पे भी देख सकते हैं 013 आ रहा, और 013 आ रहा, और यहां देख सकते हैं 01 आ रहा, और यहां देख सकते हैं 08 आ रहा, 008 आ रहा। तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो है शॉर्टिंग जो है बस वो ओनली इसमें है, ये 001 दिखा रहा है और ये सब में किसी में शॉर्टिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं, नोट करके आए यहां पर, नोट कीजिए यहां पे कि यहां पे जो है 021 लिखा है ना, यहां 006 से 006 से अगर जीरो है उसके बाद से अगर 006 से अगर नीचे वैल्यू आ रहा है, अगर यहां पे 006 से नीचे वैल्यू आ रहा है तो जाके इस सेक्शन में, इस क्वाइल या इस सेक्शन में शॉर्टिंग होगा। जैसे यहां देख सकते हैं यहां भी 013 आ रहा है, 006 से नीचे आना चाहिए। यहां देख सकते हैं 006 से नीचे नहीं आ रहा, 008 आ रहा है, 0076 आ रहा है, 007 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी शॉर्टिंग नहीं है, मगर ये वाला देख सकते हैं कि ये वाला शॉर्टिंग आपको दिखा रहा है, बीप के साथ 001 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है क्वाइल आपका शॉर्टिंग एरिया में है और इसके वजह से आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा। अब आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये क्वाइल से क्या क्या कनेक्ट है। तो इस क्वाइल से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये भी शॉर्ट हो सकता है, क्वाइल कभी भी खराब नहीं होता है। क्वाइल से हमें पता चला कि ये शॉर्टिंग है इसमें, और यहां देख सकते हैं कि यहाँ इसके नीचे जो है दो मॉस्फेट लगा हुआ है, जो एक मेन मॉस्फेट है, एक सपोर्टिंग है और एक आईसी है। अब हम क्या करेंगे कि इस आईसी को, इस मॉस्फेट को और सॉरी ये दोनों मॉस्फेट को और आईसी को एक एक करके चेक करेंगे। अब जैसे कि चेक करने का तरीका क्या है, मॉस्फेट की टेस्टिंग अगर आपको पता है तो आप चेक कर सकते हैं, एक साइड से 4 पिन बीप करता है और एक साइड से 3 पिन बीप करता है। जैसे 3 पिन बीप कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मॉस्फेट ओके है। और ये वाला मॉस्फेट को हम देख सकते हैं, ये चारों बीप कर रहा है, और इधर का ये देखिए, ये भी बीप नहीं कर रहा है, इधर का 3 बीप कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो मॉस्फेट की टेस्टिंग अगर आपको पता नहीं है तो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा, वो भी चेक कर सकते हैं। ये मॉस्फेट ओके है पर इसका जो आउटपुट जो क्वाइल है ये फिर भी बीप कर रहा है ग्राउंड से। तो हम क्या करेंगे, इस आईसी को रिमूव करेंगे, और आईसी रिमूव करने के बाद जो है इस क्वाइल को फिर ग्राउंड से चेक करेंगे जो बीपिंग हटा कि नहीं हटा। अगर बीप हट गया तो इसका मतलब है कि आईसी में शॉर्टिंग है, कभी कभी आईसी में ड्राई सोल्ड हो जाता है, या इसके पास के आईसी के जो कंपोनेंट है ना कैपेसिटर, ये भी दोनों साइड से बीप नहीं करना चाहिए। जो जो दोनों साइड से बीप कर रहा है और वैल्यू 006 से नीचे आ रहा है, ये भी 006 से नीचे आ रहा है, इधर भी 006 से नीचे आ रहा है, तो इस ये जो है कैपेसिटर इसको भी निकालेंगे, ठीक है, और भी जो भी यहाँ पे आसपास के कैपेसिटर है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, तो इसको एक एक करके निकाल के चेक करेंगे जिससे कि हमारा शॉर्टिंग हट जाएगा। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, ये क्वाइल से सप्लाई आउट होकर डायरेक्टली इस चिप पे जा रहा है, ये क्वाइल से सप्लाई डायरेक्टली इस चिप पे जा रहा है। तो आपको ये कंफर्म करना है कि प्रॉब्लम आउटपुट में इस चिप के अंदर है या ये जो इनपुट में जो मॉस्फेट या आईसी में है। तो आपको करना क्या है कि इस क्वाइल को एक साइड से उठा लेना है, इस क्वाइल को एक साइड से आप ऊपर उठा लेंगे, और उठाने के बाद जो है आपको फिर ये नीचे वाला जो पॉइंट है उसको ग्राउंड से आप चेक करेंगे कि नीचे वाला जो पॉइंट है वो ग्राउंड से बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इधर वाला कर रहा है कि इधर वाला कर रहा है। अगर इस साइड वाला आउटपुट वाला कर रहा है ये क्वाइल को उठाने के बाद, हटाने के बाद यहां से, तो शॉर्टिंग किसमें है, इस आईसी को, इसको रिवोल्विंग करेंगे। अगर इनपुट में इधर शॉर्टिंग है तो कहीं ना कहीं जो है इनपुट का जो है ये आईसी या कैपेसिटर या मॉस्फेट खराब हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही कंफर्म करके आप पता कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमें बोर्ड में शॉर्टिंग चेक करना है तो क्वाइल को कैसे चेक करके हम शॉर्टिंग को हटा सकते हैं, ठीक है। मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि क्वाइल के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम शॉर्टिंग को कंफर्म कर सकते हैं, जिसमें जो है 50% हम क्वाइल से शॉर्टिंग को हटा लेते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।